मध्य प्रदेश के भी 6 शहरों में 99 पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी जगह स्थिति सामान्य, लेकिन इंदौर की हम लोग विशेष रूप से चिंता कर रहे हैं। घनी बस्तियों के बीच सक्रिय गलियों में या एक एक घर में कई लोग रहते हैं। भाई ये संक्रमण फैल गया था, लेकिन अब उसको रोकने के हर संभव उपाय कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने लगभग 31,000 लोगों को क्वारंटाइन में रखा है। 16,000 लोगों की क्वारंटाइन की अवधि पूरी हो गई है। विशेषकर इंदौर में हमने होटल्स को, मैरिज गार्डन्स को क्वारंटाइन में बदल दिया है, और जितने भी संपर्कित तो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उन सबको वहां रखने का हम काम कर रहे हैं। चिन्हित व्यक्तियों की सर्वेलेंस की भी हमने ठीक से व्यवस्था की है। सर्वेलेंस को प्रभावी बनाने के लिए उनकी लोकेशन और एड्रेस पब्लिक डोमेन में भी हमने डालने का काम किया है, ताकि पब्लिक जान सके कि उनके घर के पास कौन व्यक्ति सर्विलेंस में है। हमने जो मजदूर अलग अलग प्रांतों से, विशेषकर जिसकी चर्चा नीतीश जी ने की थी, दिल्ली से और बाकी जगह से अचानक आना प्रारंभ हो गए थे, यथासंभव हमने प्रयास किया कि वो वहीं रोके जाए, लेकिन उनमें से कई बॉर्डर पर आ चुके थे, तो उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप करके और अपने अपने गांव में, गांव के बाहर भी सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, वहां को आइसोलेशन में रखने का काम किया। वहां की आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंच, सरपंच, ANM, इन सबको लगा के उनका मेडिकल चेकअप भी हम लोगों ने किया है। और ये अभी सौभाग्य की बात है कि ग्रामीण क्षेत्र से अभी तक ऐसा कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है। COVID-19 के वायरस की टेस्टिंग की व्यवस्था हमारे यहां मध्य प्रदेश में पहले बहुत कम थी, केवल एक लैब काम कर रही थी जिसमें 60 टेस्ट हो सकते थे, उसको हमने बढ़ाकर 480 तक हम ले गए। एक लैब और हम जल्दी तैयार कर रहे हैं ICMR के सहयोग से, और उसके बाद हमारा 1,000 टेस्टिंग की हमारी क्षमता हो जाएगी। इंदौर में जो अचानक पॉजिटिव केस आए हैं सामने, उसका कारण भी हमारी टेस्टिंग व्यवस्था का बेहतर होना है। हमने व्यापक पैमाने पर सैंपल लिए हैं, और उसके आधार पर पॉजिटिव आना कोई खराब बात नहीं। अगर कहीं है तो उनको खोजना और उनके उपचार की बेहतर व्यवस्था करना, वो इस महामारी को रोक सकता है। हमने मध्य प्रदेश, विशेषकर इंदौर और भोपाल में, हमने डेडिकेटेड हॉस्पिटल COVID-19 के लिए बना दिए हैं। इंदौर में तो हमने दोहरी व्यवस्था की है, एक COVID-19 के पॉजिटिव पेशेंट के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल, या सारी सुविधाएं, माय वेंटिलेटर के, स्टाफ के सारी सुविधाएं। वही दूसरे COVID-19 जैसे कुछ लक्षण अगर होते हैं तो उसके लिए हमने एक अलग अस्पताल किया है, क्योंकि उनको COVID-19 के पॉजिटिव केस के साथ रखना उचित नहीं होगा। भोपाल में भी डेडिकेटेड अस्पताल हमारे पास है, और बाकी जगह भी हमने डेडिकेटेड अस्पताल हम नोटिफाई करें इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। हर संभागीय मुख्यालयों पर, जहां ये वायरस का संक्रमण अभी नहीं फैला, वहां भी हम डेडिकेटेड अस्पताल की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि भगवान ना करे अगर ये संकट बढ़े तो हमको कोई दिक्कत ना आए। हमने लगभग 3,000 बेड, आइसोलेशन बेड, ये सुरक्षित किए हैं। अभी तो वेंटिलेटर की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन हमने उसकी उपलब्धता बढ़ाने के बारे में हम लगातार प्रयास करते रहे। PPE किट हमारे डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। मतलब मध्य प्रदेश का हमने प्रयास किया, और मुझे बताती हुई खुशी है कि DRDO ने, कि लैब ने, हम जो हम लोगों ने सैंपल भेजे थे उसको पास कर दिया है। अभी 2,000 PPE किट हम मध्य प्रदेश में बना रहे हैं, लेकिन कल से क्षमता बढ़ के 4,000 हो जाएगी। हम उसको और बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि न केवल हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, बल्कि हमारे पुलिस के साथी जो दिन और रात, या हमारे रेवेन्यू का अमला या सफाई कर्मी दिन और रात इस काम में लगे हुए हैं, उसके लिए दोनों को मापदंड हमने अलग अलग रखे हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो सीधे मरीज के संपर्क में आते हैं, उनके मापदंड अलग है PPE किट के, और जो हमारे पुलिस के जवान या बाकी फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनके मापदंड अलग है। तो दोनों के लिए हमने अलग अलग व्यवस्था करने का प्रयास किया है।
मास्क इत्यादि की व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन मध्य प्रदेश में हमने एक प्रयोग और किया है। अगर अच्छा साफ गमछा है और उसको थ्री फोल्ड करके ठीक से नाक और मुंह पे बांध ले तो वो भी मास्क का काम करता है। और गांव में इसका बड़ी संख्या में लोग प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि गांव-गांव में उतने मास्क लोग खरीद भी नहीं पाते और उपलब्धता में भी दिक्कत आती है, इसलिए उससे हम मास्क का काम ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आयुष की दवा जो आपने कहा, हम 6 लाख परिवारों तक हम पहुंचा चुके हैं। होम्योपैथी की दवा भी 17.5 लाख व्यक्तियों को दे चुके हैं, और दूसरे लोगों को देने के पहले मैंने और मेरे साथ बैठे हुए साथियों ने इसका प्रयोग प्रारंभ किया। पुलिस के किट में भी हमने ये सारी दवाइयां दी ताकि हमारे जवान स्वस्थ और सुरक्षित रहें, उनको बीमारी का सामना ना करना पड़े। लॉकडाउन को हम पूरी शक्ति के साथ लागू करने के प्रयास कर रहे हैं। कुछ जगह जहां आवश्यक है वहां ड्रोन जैसे साधनों का भी हम उपयोग कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में भी कोई कमी ना रहे हमारी चिंता है। एक हमारी चिंता यह थी कि लॉकडाउन के कारण अत्यावश्यक वस्तुओं की कोई कमी ना आए, और इसलिए मुख्यमंत्री के बनने के बाद मैंने ये निर्देश दिए कि जरूरी चीजों के ट्रक रोक के नहीं जाएंगे। दवाओं की आपूर्ति के बारे में आपने चिंता प्रकट की थी, मध्य प्रदेश में विशेषकर इंदौर पीथमपुर दवाइयों के निर्माण के हब हैं। पहले वहां दवाइयों का निर्माण बंद हो गया था, लेकिन अब वह जो उनकी क्षमता है उससे 50% तक वो दवाइयां बना पा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत ना आए इस बात की हम लोगों ने कोशिश की है। मध्य प्रदेश में हमने एक प्रयोग और किया, हमने समस्याओं के निराकरण के लिए, क्योंकि साधारण सर्दी और जुकाम भी था तो लोग हॉस्पिटल भागते थे, हमने कॉल सेंटर एक बनाया। कॉल सेंटर अप्रोच से हम इसका निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। स्टेट का कॉल सेंटर प्लस जिले का कॉल सेंटर, इन दोनों को भी टाई अप किया है, और स्टेट के कॉल सेंटर में लगभग 60,000 फोन आते हैं, उनमें से 15,000 बीमारी से संबंधित होते हैं, और एक दिन में हम 7,500 से 8,000 का जवाब दे पाते हैं। जो रह जाते हैं उसका जवाब हम दूसरे दिन देने का प्रयास करते हैं। और उन कॉल सेंटर्स में केवल फोन सुनने वाले नहीं, हमने डॉक्टर्स की टीम भी बिठा रखी है जो जरूरत पड़ने पर उनको सलाह देती है कि आप ये दवाई ले सकते हैं। एक प्रकार से टेली मेडिसिन की व्यवस्था भी हमने कॉल सेंटर के माध्यम से करने का प्रयास किया है। भोजन जैसी चीजों की कोई कमी मध्य प्रदेश में नहीं है। फूड पैकेट्स ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त बट रहे हैं। आपके निर्देशों के अनुसार जो आपने व्यवस्था की है, हमने लगभग 97.5 लाख परिवारों को 3 महीने का राशन पहले ही पहुंचा दिया है निःशुल्क, जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो। जो गरीब कल्याण पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी आपने दिया है उसका बहुत सकारात्मक असर गया है, और उसके बारे में भी हमने नीचे तक एजुकेट किया है। बैंक और संबंधित विभागों को हमने टाई अप करके ऐसी व्यवस्था की है कि बिना किसी भीड़ के उन पैसों को निकालने की व्यवस्था कर सके। मध्य प्रदेश से भी हमने कोशिश की है कुछ कुछ जो और आवश्यक सुविधाएं हैं वो हम अपने जनता को दे पाए। किसानों की एक चिंता, मध्य प्रदेश में कटाई का काम लगभग पूरा हो गया, वो भी जैसे आपके निर्देश थे उन निर्देशों के अनुसार, हार्वेस्टर पे को आने से रोका नहीं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे, मजदूरों ने उसका भी प्रयास किया। अब केवल उपार्जन की समस्या है, अभी हमने 15 तारीख तक उसको रोका हुआ है, उसके बाद फिर जैसी परिस्थिति बनेगी उसके हिसाब से हम फैसला करेंगे, लेकिन किसानों को भी धैर्य रहे, कोई दिक्कत ना आए इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं। हमने सभी स्वयंसेवी संस्थाएं, जनप्रतिनिधि हर जिले में, उनके साथ समाज सेवी और स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ के एक कोर कमेटी जैसी व्यवस्था बनाई है जो लगातार चर्चा करके आने वाली समस्याओं का निराकरण करने का काम करती है। मेरा भी निरंतर संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और अन्य माध्यमों से उनसे होता रहता है। NSS, NCC, NGO, हमारे एक और NGO है जन अभियान परिषद, वो अभी कुछ दिनों से डिफंक पड़ी हुई थी, लेकिन गांव-गांव में उनका नेटवर्क है NGO का, उसका इस्तेमाल आपने जिस तरह की सेवाओं के लिए कहा है उसके लिए करने का हमने प्रयास प्रारंभ किया है, और मुझे लगता है 2-3 दिन में हम नीचे तक गांव-गांव तक उस नेटवर्क के माध्यम से स्वयं सेवियों का एक बहुत मजबूत तंत्र खड़ा कर लेंगे, जो संकट के समय उनको मिनिमम ट्रेनिंग जो आवश्यक है वो देंगे। संकट के समय ये नेटवर्क हमारा काम आएगा।
26,000 विदेशी, विदेशों से, विदेशी नहीं, विदेशों से मध्य प्रदेश में लौटे थे, उन सबकी पहचान कर ली गई, मॉनिटरिंग भी की गई, उनको आइसोलेशन में भी रखा गया। तबलीगी जमात के 107 लोग मध्य प्रदेश में चिन्हित किए गए थे, उनमें से ज्यादातर दिल्ली में है, 82 लगभग दिल्ली में है, वहां से आए नहीं थे, बाकी हमने सबको खोज लिया और खोजने के बाद आइसोलेशन में ले गए। इसके अतिरिक्त विदेशी विदेशी जमातें अलग अलग देश की 57-57 लोग और थे, जिसकी जानकारी आप केंद्र सरकार से प्राप्त हुई थी, और उनके अलावा 36 फॉरेनर हमने और ढूंढे जो अलग अलग स्थानों में थे, उनको भी क्वारंटाइन में हम ले गए हैं। जो टूरिस्ट वीजा के नाम पर आए थे उनके पासपोर्ट हम लोगों ने जब्त कर लिए हैं, और आगे जो आवश्यक कार्रवाई होगी, अभी तो क्वारंटाइन में ले गए, हम लोग करेंगे। इंदौर मैंने जरूर प्रारंभ में कहा कि थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि इंदौर की जनता के सहयोग से, आपके मार्गदर्शन में हम उस पर नियंत्रण पालेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब भी अवसर आया मैंने आपको फोन किया और आपसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। सचमुच में ये हमारी एक बड़ी ताकत है कि देश के प्रधानमंत्री एक बार कॉल करने पर तत्काल उपलब्ध हो जाए, वो हमारे हौसले और हिम्मत को बढ़ाता है। मैं मानता हूं कि संकट थोड़ा बड़ा है, लग रहा है, लेकिन हौसला आपके मार्गदर्शन में हमारा उससे भी बड़ा है, और जल्दी इस संकट से हम पार पाएंगे। जो दिशा निर्देश भारत सरकार के, गृह मंत्रालय के, आपके मन की बात के हो, या देश को संबोधन के माध्यम से हो, उनका तत्काल पालन हम लोग सुनिश्चित करते हैं, और मेरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ये लड़ाई हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।